हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टाइमी चैनल। आज टाइमी आप क्या पका रही हैं? हतीजा, आज हम बना रहे हैं करेले की माँ। टाइमी, ये तो करेले की माँ बहुत कड़वे होते हैं। हतीजा, मैं आपको इस तरह से बना के खिलाऊंगी कि आपको कड़वे भी नहीं लगेंगे और आप बहुत शौक से खाओगी। इसके लिए हमने लिए हैं एक पाव करेले, ठीक है? एक पाव हमने करेले लिए हैं, उसको हम लोग काटेंगे। मैं आप लोगों को पूरा तरीका बता रही हूँ डिटेल के साथ। एक पाव करेले हमने ले लिए हैं, उसको धो के रख लिया मैंने। इसका छिलका नहीं उतारा ना मैंने, इसको ज़रा सा भी कुछ, इसका छिलका ज़रा सा भी नहीं उतारना। आगे पीछे का हिस्सा निकाल कर और उसको हम लोग बारीक बारीक कट कर लेंगे। बीज नहीं डालेंगे, जब तक आपका कट रहा है उस तरह काटें। जब बीज आ जाएँ तो बीज में से स्लेट कर दें इसको, और बीज में से स्लेट करके इसके बीज निकाल लीजिए। इस तरह से देखें, इस तरह से मैंने इसके बीज निकाल लिए। फिर हम इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग कट कर लेंगे तो हमारे बीज भी नहीं आएंगे और हमारे करेले कट भी हो जाएंगे। मैंने इसको, इसका छिलका बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया, बिल्कुल भी इसको ग्रेट भी नहीं किया, ज़रा सा भी नहीं छिलका उतारा। देखिए, अभी हमारे करेले कट गए। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डालकर, 1 से 1.5 चाय का चम्मच सॉल्ट डाल, 1.5 भी डाल सकते हैं आप, डालकर इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे करेलों को, ठीक है? मैंने काट के जो रखे हैं उसको एज इट इज़ हम लोग छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, ठीक है? अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और इसको छोड़ दें। पानी, करेले अपना पानी खुद ही रिलीज़ करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, करेले ने अपना पानी खुद ही रिलीज़ कर दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से निचोड़ कर एक छलनी में रख दूँगी, और नीचे मैंने उसकी पतीली रख दी है। उसको हम लोग अच्छी तरह से धोएंगे, मीठे पानी से अच्छी तरह से धोएंगे, क्योंकि इसमें नमक लगा हुआ है। इसको अच्छी तरह से धोएंगे। देखिए इसमें से कितना पानी निकल रहा है। हालांकि हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, सिर्फ हमने नमक लगा के रख दिया था। इसमें से करेले का अपना पानी निकल रहा है। इस प्रोसेस को करने से इसमें कड़वाहट भी नहीं रहती और करेले बहुत अच्छे पकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। देखिए, हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से निचोड़ जोड़ के छलनी में डालते जाएंगे। अब आप लोग देख लें प्लेट में कितना सारा पानी बचा है, ठीक है? अब हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब जो हमारे करेले जो हमने इसमें निकाले हैं छलनी में, इसमें हम लोग पानी डाल डाल के धो लेंगे, अच्छी तरह से धो लेंगे। पानी डालें, उसको अच्छी तरह से धो लें, 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो के इसको हम लोग, फिर हम इसको फैला देंगे एक ट्रे में, पेपर लगा कर फैला देंगे। अच्छी तरह से धो लीजिए इसको। इस तरह से करने से बिल्कुल भी करेले में कड़वाहट नहीं रहेगी, और वैसे तो अपनी कड़वाहट होती है करेले की, थोड़ी बहुत तो होगी, लेकिन जो बिल्कुल कड़वे बनते हैं वैसे नहीं बनेंगे। अब देखिए, मैंने इसमें पेपर लगा दिया अच्छी तरह से एक ट्रे में। अब मैं इसमें करेले डालूंगी। आप लोग चाहें तो आप लोग एज इट इज़ भी बना सकते हैं करेले, ताज़े ताज़े काट के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रोसेस आप लोगों को इस तरह इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग करेलों को प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। इस तरह 6 से 7 महीने के लिए आप लोग फ्रीज़र में इसको रख सकते हैं, सुखा के करेलों को। अच्छी तरह से मैंने इसमें रख दिए, डाल दिए सारे करेले, फैला के रख दिए। अब मैं एक रात पहले आप लोगों को करना है या सुबह करना है, तो शाम में पकाना तो सुबह कर लीजिए, ठीक है? चाहे आप लोग ताज़े बना लीजिए। देख लीजिए, रात में मैंने करे थे और सुबह मेरे करेले इस फॉर्म में आ गए। अब आप लोग इसको एक थैली में करके रबर बैंड लगा कर आप लोग फ्रीज़र भी कर सकते हैं, ठीक है? ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, और अब इन करेलों को पकाने का तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। 1 कप हमने ऑयल लिया है, इसमें हमने डाली है 5 प्याज स्लाइस की हुई, 5 मीडियम प्याज मैंने स्लाइस की हुई इसमें डाल दिए, ठीक है? 1 पाव करेले और 1.5 पाव कीमे का मैं आप लोगों को करेले कीमा बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है? इसमें हमने प्याज डाल दिए, इसको प्याज को सोटे करेंगे, ठीक है? ना हमने ब्राउन करनी है, ब्राउन हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, अच्छी तरह से सोटे करनी है इसको, पिंकिश सा कलर आ जाएगा इसका जब हम लोग इसमें डालेंगे अपना कीमा। अच्छी तरह से प्याज सोटे कर लें, और आप लोग इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। अब ये मेरा कीमा है 1.5 पाव, ठीक है? 1 पाव मैंने करेले लिए, 5 बड़ी प्याजें लिए मैंने, ठीक है? और इसमें 1.5 पाव मैंने कीमा डाल दिया, ठीक है? आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं कीमा भी और करेले भी, ठीक है? करेले मैंने 1 पाव लिए, ठीक है? इसमें मैंने डाले 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है? 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और मैंने इसमें एक छोटा टीस्पून मैंने इसमें डाला है कलौंजी। कलौंजी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और ये दिल्ली वालों के यहाँ जो बनता है करेले कीमा, वो इसी तरह से बनता है सहारनपुर में, ठीक है? और इस तरीके से बनता है, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने डाली हैं इसमें, 3 टेबल स्पून भर के डाली हैं, ठीक है? मिर्चें भी आप लोग कम तेज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है, और इसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर भर के,
एक चम्मच, ठीक है, धनिया पाउडर भर के एक चम्मच डाला है। अब इन मसालों को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक चम्मच मैंने नमक डाला है इसमें। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम तेज़ कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, सारे मसाले हमारे आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेंगे, ठीक है, 5 से 10 मिनट इसको पका लेंगे। उसके बाद हम लोग कीमे को अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए मैंने ढक के उसको पका लिया है, अब हम कीमे को अच्छी तरह से भून लेंगे जब हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे अपने करेले, एक पाव जो करेले मैंने आपको धो के सुखा के जो बताया तरीका उस हिसाब से, ठीक है, उस तरीके से मैं आपको बताया वो आप लोग डाल दीजिएगा इसमें करेले। 1.5 पाव कीमा है इसमें और 1 पाव करेले, ठीक है, और 4 से 5 टेबल स्पून हमने भिगो के इमली रख दी थी, ठीक है, इसमें टमाटर नहीं जाते, इसमें इमली जाती है। इसमें 4 से 5 टेबल स्पून हम लोग इमली का पल्प डालेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या तेज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 5 टेबल स्पून इसमें इमली का पल्प डाला है, आप लोग भी इसी तरह डाल के देखिएगा, पका के ज़रूर चेक करिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। देख, अब हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई डाल देंगे। अब हम अपनी डिश को सर्व कर लेंगे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी 3-4 बड़ी मिर्चें भी डाल दी हैं इसके कलर को इन्हेंस करने के लिए, और ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। टाइमिंग तो बहुत मज़े के बने और बिल्कुल भी कड़वे नहीं है, आप लोग भी ज़रूर बनाकर ट्राई करेगा। मेरी टाइमिंग के चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना अगली वीडियो में नहीं आऊँगी। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।